आपने ब्लैक देखा होगा, व्हाइट देखा होगा, पर रेड अभी तक नहीं देखा होगा क्योंकि चैनल पर हमारे आ चुकी है। ऐसे ही नहीं बिग डैडी कहते, क्योंकि सच में बिग डैडी है यार। गाइस कैसे आप सब लोग, होपफुली सब अच्छे होंगे। और महिंद्रा लवर्स के लिए लेके आए हैं आज हम एक नया तोहफा, वो है भाई ये स्कॉर्पियो की रेड कलर की चमचमाती एन, जो कि भाई देखने में काफ़ी क्लासिक लगती है। तो आप देख ही सकते हो कि चारों तरफ से मैं इसका फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ, ओवर व्यू, कितनी प्यारी लगती है। आपने ब्लैक देखा होगा, वाइट देखा होगा, पर रेड अभी तक नहीं देखा होगा क्योंकि चैनल पर हमारे आ चुकी है। तो आप देख ही सकते हो कितनी प्यारी दिखती है भाई इसकी। और इसी को ऐसे ही नहीं बिग डैडी कहते, क्योंकि सच में बिग डैडी है यार। तो आप भाई इसकी फ्रंट प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल देख सकते हो चारों तरफ से कितनी प्यारी लगती है। मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ, फ्रंट से ये कुछ इस तरीके की दिखती है। तो भाई और अगर लखनऊ में आपको बुक करना है तो आप नारायणा ऑटोमोबाइल से आके बुक कर सकते हो, तो काफ़ी प्यारी लगती है स्कॉर्पियो एन। ऐसे ही नहीं बिग डैडी कहते, मैं आपको अभी अंदर से भी दिखाता हूँ, इंजन की भी बात करेंगे, सारा कुछ बात करेंगे, तो बने रहो वीडियो में। इसके साथ चाबी मिलती है भाई, लॉक अनलॉक बूट आपको मिल जाता है। तो भाई ये कुछ ऐसी पुरानी वाली चाबी है, उसमें कुछ चेंज नहीं है, बटन दबाओगे ये फ्लिप की है। तो भाई चाबी थोड़ी चेंज करनी चाहिए महिंद्रा को, बाकी तो सब ठीक है। और अब गाड़ी की बात कर लेते हैं, गाड़ी आप देख ही सकते हो रेड कलर में है, रेड कलर में काफ़ी अच्छी लगती है। और इंजन की बात करें तो आपको डिस्प्ले पे इंजन की स्पेसिफिकेशन दिखाई दे रही होगी कि कितने का इंजन है, क्या है, कैसे है, सब कुछ। और ये कुछ बात करें, आपको टचिंग सेंसर मिल जाता है जिससे आप गाड़ी को अनलॉक लॉक कर सकते हैं। तो पीछे ऐसे क्रोम हैंडलिंग आपको दी गई है, बाकी गाड़ी में ऊपर रूफ रेल मिल जाती है, आप यहाँ पे रूफ रेल मिल जाती है, और यहाँ पे भी आपको क्रोम की फिनिश दी गई है, तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, तो आप देख ही सकते हो। और बात कर ले बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल में आपको डिफॉगर मिल जाता है और वाइपर मिल जाता है, आपको नीचे यहाँ से स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा आपको दिया था। और यहाँ कुछ नीचे बटन दिया गया है। तो अगर टायर की बात करें तो टायर इसमें MRF का आपको मिल जाता है, और जिसकी प्रोफाइल की बात करें तो 255/60 R18 का टायर मिलता है, और टायर MRF का है, तो ऑल टेरेन टायर है इस पर। और नीचे आपको फुट रेस्ट भी मिल जाता है इसी के साथ। और दूसरी बात करें जैसे एलॉय की बात करें, डायमंड कटिंग एलॉयज आते हैं आपको, और R18 का 18 इंच का टायर है, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई। ऑफ रोडिंग में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, सच में बिग डैडी लगती है। अगर इसको रियल की बात करें, यहाँ भी क्रोम दिया गया है आपको, हैंडल पे भी क्रोम फिनिश दी गई है आपको। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ आपको भाई यहीं पे आपको फ्लूड यानी कि जो आपका यूरिया रहता है, यूरिया का यहाँ पे वो दिया हुआ भरने वाला, और डैफ का, और यहाँ पे आपका डीजल गाड़ी है ये। और यहाँ पे महिंद्रा ने सबसे अच्छी बात की है भाई, यहाँ पे लिख दिया है फिल BS6 डीजल ओनली, तो यहाँ पे ऐसे BS6 का पूरा ब्रांडिंग वगैरह दी गई है, तो आप देख ही सकते हो। और सबसे अच्छी बात मैं इस गाड़ी में दिखाता हूँ, वो है यहाँ पे एड्रोनॉक्स की बैजिंग दी गई है, यहाँ आपको टर्निंग इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और बात कर लेते हैं आगे की, भाई यहाँ पे आपको भाई ये हाई बीम लो बीम मिल जाता है आपको, और यहाँ पे भाई महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, जो नया वाला कोई नई बात नहीं है भाई, मस्त लगता है पर देखने में, क्योंकि अब जितनी भी नई गाड़ी आ रही है महिंद्रा की, सब में ये लोगो आने वाला है। और बात कर लेते भाई ग्रिल भी अच्छी खासी लगती है, और सेम हेडलाइट की बात कर लेते भाई, हाई बीम लो बीम, और नीचे आपको फॉग लाइट का सिस्टम देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। ऐसा कुछ आगे से फ्रंट लुक आपको मिलता है, तो आप देख ही सकते हो। अब थोड़ा एक्सटीरियर की बात होगी, अब कार्त करते हैं इंटीरियर की, तो चलते हैं अंदर। तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर दिया गया है भाई, लेदर फिनिश आपको यहाँ पे मटेरियल दिया गया है, तो काफ़ी प्यारा लगता है डैशबोर्ड भी। और यहाँ पे स्क्रीन आपको दी गई है, तो स्क्रीन में, और ये गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक वेरियंट है, तो AMT की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम लगती है यहाँ पे। बिग डैडी के हिसाब से इसमें सारी चीज़ें लगाई गई, यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एसीवेंट दिया जाए, आपको यहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे सोनी के स्पीकर्स आपको दिए जाते हैं यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और साउंड आपको एकदम तगड़ा मिलने वाला है। और यहाँ डिस्प्ले की बात करें तो भाई सच में प्रीमियम वाली फील आती है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको कप होल्डर, और ये आपका आर्म रेस्ट के अंदर भाई ज़्यादा कुछ नहीं रख सकते आप, बस की वगैरह अपनी छोटी मोटी कोई छोटा सामान रख सकते हो, बस यही इसका डिसएडवांटेज है। और जो हैंड ब्रेक की बात करें तो हैंड ब्रेक इसका भाई जो नॉर्मल गाड़ियों में आता है वैसा जेट वेट हैंड ब्रेक टाटा जैसा नहीं दिया है, बट ठीक है, अच्छा लगता है, नो प्रॉब्लम। और सीट्स की बात करें तो भाई यहाँ पे लेदर आपको सीट्स मिल जाती है, और स्पेस तो भाई इसमें भरपूर दिया गया है, लेग रूम वगैरह मैं आराम से इस पर फैल के बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है पूरा। और स्क्रीन यहाँ पे आपको पूरा कंट्रोल दिया है, AC ऑन कंट्रोल, AC डेन लीवर, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। स्टेयरिंग आप देख सकते हो कितनी अच्छी स्टेयरिंग है इसकी।
भाई ड्राइवर साइड कुछ ऐसा मीटर आपको मिल जाता है भाई, नया मिलेगा तो पन्नी चढ़ी मिलेगी, हम नहीं हटा सकते वरना डीलर हमको बोलेंगे। तो यहाँ पे भी आपको साउंड का सिस्टम मिल जाता है, इधर आपको ड्राइवर साइड भी एक हैंडल मिल जाता है पकड़ने के लिए, यहाँ पे ऐसे एज यूजुअल भाई SRS के बैग मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे भी आपको सर पे भी एक स्पीकर दिया है। ये थोड़ा अजीब लगता है बट ठीक है भाई, कंपनी ने किया है तो कुछ सोच के किया होगा। और ये आपकी पैनारोमिक नहीं है, ये नॉर्मल छोटी वाली सनरूफ है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ठीक है एक बंदे के लिए सफिशिएंट है, एक बंदा आराम से निकल सकता है। और भाई पीछे की बात करो, हर जगह लेदर दिया होगा, अभी पीछे भी चलेंगे, बात अभी आगे कर लेते। ऐसा कुछ आपको गियर लूप दिया जाता है भाई, पार्किंग रिवर्स ये, और न्यूट्रल व्यूट्रल आप करके इसमें पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। सबसे मेन बढ़िया चीज मेरे को इसमें लगी है वो लगी है भाई ये इसके बटन्स में अलग फील है भाई। ये यहाँ पे आप ड्राई मोड चेंज कर सकते हैं भाई, टायरन और ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए 1000 लाइट, और भाई सॉस वॉस सारा कुछ दिया है। सॉस का कोई यूज़ नहीं होता है SOS का इसमें, बट फिर भी दिया गया है, अच्छी बात है भाई सब। और यहाँ पे आपको भाई नॉर्मल जो दिया गया है, ऑटो डिमिंग नहीं दिया गया है, ये टॉप मॉडल नहीं है बेसिकली, इसीलिए इसमें नहीं दिया गया है, तो टॉप मॉडल में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ लाइट दी गई, यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, ये पता नहीं किस चीज़ के लिए है, देखते हैं। स्पीकर, हैंडल, आपका SRS के बैग, और पीछे भी चलते हैं इसमें, आप देखते हैं पीछे भाई, बाकी एक बार लुक देख लीजिए आप चारों तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ है, काफी प्रीमियम लगती है भाई, डैडी तो सबका डैडी ये है, बिग डैडी भाई, इसीलिए नहीं कहते काफी। जब मैं इससे नीचे उतरने गया भाई, इतना ऊपर लग रहा था मेरे को, तो भाई बिग डैडी तो है। यहाँ से ये आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे अपनी छोटी मोटे सामान को की वगैरह रख सकते हो या कप होल्डर के लिए, और दो ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे भाई टॉप मॉडल में आपको वायरलेस का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें नहीं दिया गया है, तो काफी सही है, जैसा पैसा जैसी वैसी चीज। तो चलते हैं पीछे, तो अब भाई लोग हम आ गए पीछे, तो पीछे देखते हैं भाई, बैठने का स्पेस चेक करते हैं कि भाई कितना स्पेस मिलता है, और इसके बैक सीट पे भी जाएंगे। तो बैक पे मैं आ गया हूँ भाई, ड्राइवर सीट एकदम एडजस्ट है, और एडजस्ट की बात करें तो मेरा एकदम मस्त फैल के बैठा हूँ, आगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो बात कर लेते पीछे की भाई, पीछे भी आपको लेदर फिनिश सीट्स मिलती हैं, तो लेदर वाला पूरा टच आपको मिलता है यहाँ पे, तो देख ही सकते हो भाई कितना प्यारा लगता है। यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको भाई दरवाजा ओपन ऑन ऑफ करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, उसके लिए आपको डोर हैंडल मिल जाता है, पकड़ने के लिए भाई सपोर्ट मिल जाता है आपको, और ऊपर भी भाई आपको हैंडल मिल जाता है, सबसे बढ़िया है नूम मिल जाता है जिस पर आप अपना कोई सामान वामान टांग सकते हो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पर वेट का भी इशू रहता है कि 5 किलो तक आप टांग सकते हो, तो टूटेगा नहीं, अदरवाइज टूट जाएगा। अगर आप पीछे वाले कंपार्टमेंट में बैठते हैं तो भाई काफ़ी स्पेस है, बंदा मोटा तगड़ा बंदा बैठ सकता है, मेरी हाइट है 5'8", तो मैं आराम से बैठा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही, स्पेस काफ़ी है भाई। और यहाँ पे आपको AC का वेंट्स मिल जाता है भाई, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है आप यहाँ से भाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये चीज़ मेरे को महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड में बिग डैडी में काफ़ी अच्छी लगी। हर जगह आपको लेदर फिनिश मिल जाता है, यहाँ पे आपको लेदर का टच मिला है, यहाँ पे भी आपको पूरा लेदर का टच मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस पे लाइट दी गई है, तो लाइट से आप एक्सेस कर सकते हो जला के बंद करके, तो पीछे जो भी बंदा बैठेगा मतलब जो सवारी रहेगी वो आराम से यहाँ से लाइट को एक्सेस कर सकती है। पीछे भी यहाँ पे लाइट दी गई है, और इसके पीछे भी दी गई है, और सबसे थर्ड रो के लिए इन्होंने सबसे अच्छी बात है यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं भाई, मस्त आवाज आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली सुनने में भाई, मस्त सोनी के स्पीकर है, तो भाई नो डाउट सब कुछ अच्छा ही होगा। लेदर फिनिश यहाँ पे दिया गया है, तो लेद काफ़ी प्रीमियम लगता है भाई देखने में, और यहाँ पे ये बटन दिया जाता है भाई, डोर क्लोज का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है भाई, महिंद्रा ने सबसे अच्छा यहाँ पे लगा के रखा है, यहाँ पे बोला है भाई खाली गिलास नहीं रखना है, पानी नहीं भरना है, उसे बोतल में बंद करके रखना है, ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को महिंद्रा की। और यहाँ पे आप स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है। बात कर लेते हैं भाई थर्ड रो की, थर्ड रो में आपको ऐसा कुछ स्पेस मिल जाता है पीछे, तो मैं पीछे चलता हूँ भाई, देखता हूँ बैठ के कितना स्पेस मेरे को मिलता है, क्या मैं बैठ पाऊंगा वहाँ पे आराम से कि नहीं। तो मैं पीछे आ चुका हूँ, सीट हो गई है पीछे से फोल्ड, ठीक है पीछे से पूरी सीट पीछे वो चली गई है, तो मैं उसको फोल्ड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे साथ कभी कोई है नहीं, तो पीछे ऑप्शन नहीं है उसमें खोलने बंद करने का। तो मैं अभी आ चुका हूँ भाई स्कॉर्पियो एन की बिग डैडी के लास्ट वाली सीट पे, यानी कि सबसे पीछे वाली सीट पे, और भाई यहाँ बैठ के देखता हूँ एक नॉर्मल बंदे की, भाई मेरी जो हाइट है वो 5'8" है, और मेरा पैर यहाँ लग रहा है, मतलब पीछे वाले स्पेस की बात करें तो भाई बहुत कम दिया गया है, क्योंकि अगर मान लो गाड़ी और पीछे मेरा भाई ये कंधा मतलब सेट ही नहीं हो पा रहा, तो कोई नहीं वो तो
थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी 5'8" है, मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो भाई मेरे से लंबा बंदा तो उसमें बैठ ही नहीं सकता। तो भाई कम्प्लीटली बच्चों के लिए, बच्चे पीछे बिठाओ आराम से, बच्चे बैठ के जा सकते हैं। पीछे वाली सीट भाई बच्चों के लिए प्रैक्टिकली ठीक है, हम लोग नहीं बैठ सकते जिसकी भाई 5 से ऊपर हाइट है, क्योंकि भाई पैर भी लगता है और कुछ टाइम के अगर 10-5 मिनट बैठ गए तो भाई दर्द होने वाला है, पक्की बात है ये। क्योंकि ऐसे करके अगर बैठूंगा तो ठीक है, और मैं अगर सीधा बैठता हूँ तो बैठने के लिए नहीं है, आप देख ही सकते हो कितनी कम जगह बचती है इसके बाद। तो पीछे बस बच्चे बैठ सकते हैं, और बच्चों के अलावा भाई अगर कोई बड़ा बैठने की कोशिश करता है तो नहीं बैठ सकता, तो देख ही सकते हो आप। और अब पीछे की बात कर लेते हैं, पीछे आपको क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पे आपको भाई छोटा मोटा आप कोई चाबी आबी या फिर पैसे वैसे रखने हो तो रख सकते हो, और यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, पीछे लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर थर्ड रो में अगर बच्चा बच्चा बैठा है तो हमें लाइट वाइट जला सकता है। यहाँ थोड़ा पकड़ने का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीकर सोनी वाला, तो मस्त यहाँ से बेस बेस आने वाला है, अच्छी खासी आवाज आने वाली है। तो अब दो आपको सीट के साथ ये रेस्ट मिल जाते हैं, तो भाई मस्त अपना सर्वर टिकाओ इस पर और मजे लो, क्योंकि ये बच्चों के लिए। तो पीछे भाई रिकमेंडेड नहीं है कि बड़ा बैठे, वरना पैर वैर में दर्द होने वाला है अच्छे से। बताता हूँ भाई अगर आप पीछे बैठे हो थर्ड रो में, सब प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि भाई यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट का चार्जर दिया गया है, सिगरेट चार्जर, तो आप यहाँ पे लगा के यूज कर सकते हो, अपना फोन वोन जो भी चार्ज करना कर सकते हो। यहाँ पे भी लाइट मिल जाती है, हैंडल मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है, तो मस्त आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और डीफोगर आपको पीछे मिल ही जाता है, तो आप ड्राइवर के लिए थोड़ी आसानी होने वाली है, और ये आपका वाइपर हो जाता है। अगर आप स्कॉर्पियन में कभी फंसने वाले हो तो पीछे मत बैठना, क्योंकि पैर पूरा एकदम आपका दर्द करने वाला, क्योंकि प्रैक्टिकली पीछे बैठने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। मैं बैठ रहा हूँ, मेरी 5'8" है भाई, मैं भी नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो भाई देख लेना अगर 5'8" से ऊपर हो तो पीछे मत बैठना, वरना दर्द होगा पैरों में। और बाकी आप देख लेना भाई अपने हिसाब से, मजबूरी हो तो बैठना ही पड़ेगा आपको। तो भाई देखने में भाई गाड़ी काफ़ी प्रीमियम लगती है, तो भाई आपकी चॉइस है, आप देख लो एक बार। बिग डैडी तो भाई बिग डैडी है, दिखने में भी बिग डैडी है भाई, चलाने में भी किसी दिन टेस्ट ड्राइव मारेंगे तो आपको बताएंगे भाई एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई सबसे पहले आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक करना है, और भी ऐसी नई वीडियोस आपके पास आने वाली है। फेसलिफ्ट अभी मैं MG की फेसलिफ्ट टॉप लाने वाला हूँ, तो भाई चैनल पर बने रहो और कर लो सब्सक्राइब।